हिमालय की गोद में बसा हिमाचल, जहां आज भी लोग प्रकृति के साथ सहज तरीके से रहते हैं। हिमाचल का कुल्लू मनाली एक बेहद खूबसूरत जगह है। यहां पर आप जितनी बार आएंगे, आपको एक अलग तरह का एहसास होगा। यहां पे अनेकों अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं घूमने के लिए। तो ऐसे ही एक प्राचीन गांव की यात्रा पर आपको लेकर चलेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो मनाली से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्चुअल टूर के साथ ही साथ सारी जानकारी बताएंगे कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं, कहां घूम सकते हैं, कहां रुक सकते हैं और यहां पहुंचने का आसान तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर लें। जिस गांव के सफ़र पर आज आपको लेकर चलेंगे, उस बेहद खूबसूरत गांव का नाम है सनाग। ये मनाली के पास सबसे खूबसूरत गांव में से एक है। ये मनाली से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात करें आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली के कश्मीरी गेट या मजनू का टीला से बस पकड़ के 800 से 1000 रुपया खर्च करके आप मनाली पहुंच सकते हैं। मनाली पहुंचने के बाद मनाली से स्कूटी, बाइक या टैक्सी रेंट करके आप सनाग विलेज पहुंच सकते हैं 30 मिनट की ड्राइव के बाद। सनाग विलेज पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है सोलंग वैली के टूवर्ड्स नेहरू कुंड से लेफ्ट लेकर आप सनाग विलेज पहुंच सकते हैं। दूसरा है ओल्ड मनाली होते हुए, क्लब हाउस होते हुए आप सनाग विलेज पहुंच सकते हैं। और सच मानिए, ओल्ड मनाली विलेज होते हुए आप जब सनाग विलेज जाएंगे तो रास्ते का व्यू बहुत ही अमेजिंग दिखता है, जहां से आपको ऊंचे ऊंचे रोहतांग पास के माउंटेन भी दिखाई देंगे। सनाग गांव जाते हुए रास्ते में एक खूबसूरत गांव आता है गौसल, जो ब्यास नदी के किनारे बिल्कुल बसा हुआ है, तो चाहे तो उसे भी विजिट किया जा सकता है। तो अब बात करें यहां विजिट करने का बेस्ट महीना कौन सा है। तो यहां सालों भर आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन विंटर के समय में जब आएंगे यहां पर तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा दिखने को मिलेगा सनाग गांव के चारों ओर का। सनाग एक छोटा सा गांव है और इसकी आबादी लगभग 150 से लेकर 200 के आसपास होगी। अब बात करें कि आप यहां पर कहां रुक सकते हैं। तो यहां पर ढेरों होटल हैं, गेस्ट हाउसेस हैं और होम स्टे अवेलेबल हैं स्टे करने के लिए। हिमाचल के होम स्टे बेहद ही खूबसूरत होते हैं, जहां पर आप रिजनेबल प्राइस में स्टे के साथ ही साथ लोकल हिमाचली कुजीन का भी मज़ा ले सकते हैं और काफ़ी करीब से हिमाचली लोकल कल्चर को जान सकते हैं। आज के इस मॉडर्न युग में भी यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल हाउसेस बने हुए हैं हिमाचली आर्किटेक्ट स्टाइल के। जो लोग मनाली के भीड़भाड़ इलाके से दूर स्टे करना पसंद करते हैं और मनाली को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सनाग गांव एक बेस्ट प्लेस है स्टे करने के लिए। यहाँ से दिखने वाले ऊंचे ऊंचे माउंटेन, खुला खुला नज़ारा और सुबह की ताजगी आपको फ्रेश कर देगी। और यदि आप इस गांव को सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो 1 से 1.5 घंटे में इस पूरे गांव को घूमा जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो यदि मनाली टूरिस्ट प्लेसेस के साथ ही साथ कुछ ऑफबीट प्लेसेस आप घूमना चाहते हैं मनाली टाउन के पास, तो इस विलेज को एक्सप्लोर करना एक बेस्ट ऑप्शन होगा।